व्यूअर्स, अश्वियास किचन एंड ब्यूटी टिप्स में हम सेकंड डे लेके आए हैं फ्लैक्स सीड का। देखिए इससे कितना ज़्यादा आपको इफेक्ट, हमें तो बहुत फ़र्क पड़ा है। अभी आपको सेकंड डे करके दिखाते हैं कि किस तरह मैंने किया है। दो दिन पहले मैंने किया था, दो दिन छोड़ के, ठीक है। आप डेली भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने खुद अवॉइड किया है कि ज़रा एक दिन के हिसाब से करते रहना। आप अच्छी तरह अंदर स्कल में भी लगा सकते हैं और मांग बना के भी कर सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे। और ये देखिए, ये हमारे पास है फ्लैक्स सीड को, ये हमने दोबारा बनाया है फ्रेश, क्योंकि सर्दियाँ थोड़ी सी आ गई हैं और फ्रिज के अंदर थोड़ा ठंडा ज़्यादा रहेगा, फिर इसको गर्म करना पड़ेगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए हमने ये देखिए, ये भी गाढ़ा गाढ़ा है, ये भी हमने फ्रेश बनाया। ये देखिए जल्दी जल्दी हम सब लगा रहे हैं। ब्रश से भी आप लगा सकते हैं और आप फिंगर टिप्स भी लगा सकते हैं। ब्रश से लगाने के बाद आप ज़रूर इसको फिंगर टिप्स से अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ख़ासतौर पर सर्कुलर कंडीशन में, तो उससे आपके ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही रहेगा, ठीक है। ये देखिए ब्रश से बहुत जल्दी अप्लाई हो रहा है और ये अंदर तक जा रहा है। क्योंकि अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, पहले भी मैंने आपको बताया था, तो लगेगा नहीं। अभी मांग में अप्लाई कर रहे हैं आगे की। थोड़ा सा ही गिरेगा तो आप टॉवल रख लीजिएगा अपने शोल्डर पे, क्योंकि ये जितनी देर रखा रहेगा इतना गाढ़ा हो जाएगा। और हमने इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा वो हो जाएगा वो हार्ड हो जाता है जेली की तरह से, और फिर वो लगाना मुश्किल होता है। ये देखिए ऐसे अप्लाई करेंगे, ये आपने चारों तरफ इसके अप्लाई करके स्कल पे जो बच गए वो आप अच्छी तरह ऊपर लगा सकते हैं इस साइड पे। ठीक है, अब ये देखिए इसमें लगा के अब हम इसे थोड़ा सर्कुलर मोशन में हम इसे कर देंगे। देखिए बस अच्छी तरह से इसकी मालिश कर देंगे ताकि ये अंदर स्कल में अच्छी तरह चला जाए, ठीक है। और ये आधा घंटे के लिए आप लगा के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बस ये देखिए, अब हम आपसे वॉश करने के बाद फिर मिलते हैं कुछ देर बाद।
हमने हेयर को वॉश कर दिया है, और वॉश करने के बाद हमने 2 दिन बाद दोबारा जेल लगाया था, फ्लैक्स सीड का जेल। और देखिए आप बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए, और बिल्कुल भी, और जो इतने बाल झड़ते थे ना शैम्पू से और कंडीशनर लगाने सारे ख़राब होते थे, ये बहुत बेहतर हो गए हैं। अब इंशाल्लाह देखिए ये हम यूज़ करते रहेंगे इसको, आप भी से यूज़ कीजिए। प्लस इसमें ओमेगा 3 है और ये हर्बल है, इससे आपके बालों को बिल्कुल कुछ डैमेज नहीं होंगे ये, बल्कि प्रॉपर वे में सही तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।